मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, एसएलएम वाला मेथड कर लिया हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड। आज के लेक्चर के अंदर हम कौन सा करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, तो डेप्रिसिएशन का सेकंड जो मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बेसिकली इसमें होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक मशीन परचेज करी, परचेज 180,000, ठीक है, और कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए। आपको पता है ना, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, जो मशीन को पुट टू यूज करने से पहले के खर्चे होते हैं वो मशीन की कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो इंस्टॉलेशन जो एक्सपेंसेस है वो है 20,000, तो मशीन की कॉस्ट कितने की होगी, 2,00,000 की। डेप्रिसिएशन की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, डेप्रिसिएशन रेट मान लेते हैं 10%। अब आप डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो देखिए, देखो डेप्रिसिएशन अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो कैसे होगा। सबसे पहले मशीन की कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, तो हमारे पास जो ओरिजिनल कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ मशीन है वो है 2,00,000। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 2,00,000 का कितना, 10%, 2,00,000 का 10%, हर साल 10% लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 20,000। अब मशीन कॉस्ट कितनी बच गई, 1,80,000। ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है और सेकंड ईयर का ये ओपनिंग हो जाएगा। अब सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन देखो, यहां से सेकंड ईयर स्टार्ट, ये बैलेंस बच गया। अब यहाँ सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन देखो, एसएलएम मेथड में हम क्या करते थे, वही 20,000 20,000 20,000 20,000 हर साल सेम रहता था, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहां पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्लोजिंग बैलेंस पर, 1,80,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा, 18,000। तो यह आ गया आपका थर्ड ईयर का बैलेंस। आप बोल सकते हो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग या थर्ड ईयर का ओपनिंग, तो 1,80,000 माइनस 18,000, तो ये हो गया 1,62,000, 1,62,000 ये बैलेंस सेकेंड ईयर, यहाँ से थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो इस पे लगाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन वही 162 का 10%, 16,200। तो अब बैलेंस कितना बच जाएगा, 162 माइनस 16,200, 145,800। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 14,580। तो इसमें क्या होगा, जो एसएलएम मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड या इंस्टॉल फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें डेप्रिसिएशन एक इक्वल रहता था, तो एक दिन उस मशीन की एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती। इसमें कभी जीरो नहीं होगी। आप 100 साल का कैलकुलेट कर लो, 1,000 साल का कैलकुलेट करो, जीरो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, इसका एक मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड और इसमें क्या है और इनको क्यों बोलते हैं ऐसा। जैसा कि मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ग्राफ देखे दोनों का, यहां मान लेते हैं अमाउंट, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं ईयर। अब ये मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, जो भी, ठीक है, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000। अब देखो यहाँ पर अगर एसएलएम मेथड देखिए ना, स्ट्रेट लाइन मेथड जो हमने यूज़ किया था, उसमें अगर अभी 22,00,000 का 10% लगाते तो 20,000 होता। तो फर्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन कितना लगता, 20,000, सेकंड ईयर में भी कितना, 20,000, थर्ड ईयर में भी 20, फोर्थ में भी 20, फिफ्थ में भी 20, हर साल 20,000। तो इसकी जो देखो लाइन ड्रॉ करिए कैसी है,
स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनी है, देखो। लेकिन यहां पर देखेंगे ना तो इसमें देखो, अब आप वही मान लेते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, और यहाँ ईयर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट ईयर का 20,000, सेकेंड ईयर का कितना था, कम था 18,000, तो यहाँ आएगा थोड़ा। थर्ड ईयर का क्या होगा, और कम होगा थोड़ा। फोर्थ ईयर का और कम होगा, फिफ्थ ईयर का और कम होगा। तो इसमें कुछ लाइन इस तरीके से बनती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, WDV इस मेथड का, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। ये देखो वैल्यू क्या हो रही है डेप्रिसिएशन की, डाउन, और यहाँ क्या है, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, डाउन वाली लाइन बन रही है। तो इसका तो क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था, इसका मैं WDV का आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैसर्स मेहरा एंड सन्स एक्वायर्ड अ मशीन, एक मशीन एक्वायर करी, कितने की, 1,80,000 की, कब करी है, October 1, 2016, 1 अक्टूबर 2016 को करी है। एंड स्पेंड 20,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन, और 20,000 रुपये क्या खर्च किए, इंस्टॉलेशन पे खर्च किए। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द रेट ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई भाई, मशीन कितने में परचेज करी, 180 में। इंस्टॉलेशन कितने का है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितने हुए, 20 के। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई, 2 लाख। इसका कितना परसेंट, 10% एवरी ईयर। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2017 एंड ड्रॉ अप अ मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री भी करनी है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। ओनली 3 साल की जनरल एंट्री करनी है आपको, 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना, 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आया समझ में, बताइए एक बार करो रिप्लाई फटाफट, फिर हम सबसे पहले जनरल एंट्रीज करेंगे। और जनरल एंट्री में मैंने क्या बोला आपको पता है, कभी भी जनरल एंट्री जब आप करें, कभी भी आप जनरल एंट्री करें तो जनरल का फॉर्मेट बना करके करें, ओके, ठीक है। अब देखना बेटा, समझना इसको, मैं जनरल एंट्री करता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, जनरल का फॉर्मेट बना देता हूँ। डेट पर्टिकुलर LF, ठीक है। अब देखो यहाँ मशीन कब खरीद रहे हैं, 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016 को, कितने में, 1,80,000 में, और खर्चा भी कितना किया, 20,000 का। तो फर्स्ट एंट्री बताया क्या होगी, 1 अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 10, 2016, मशीन अकाउंट डेबिट, और कैपिटलाइजेशन करना है ना कॉस्ट का, तो 2 लाख सीधा इधर ही लिख देंगे, 1,80,000 + 20, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड करने हैं, ओके। टू बैंक 2 लाख, तो कैपिटलाइजेशन कर दिया है मैंने, ओके। मशीन परचेज, नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना, ठीक है, हम नरेशन यहाँ क्या सिखाएंगे। सेकेंड एंट्री क्या होगी, ईयर एंड में, ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2017 को, 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ होगा, अक्टूबर में हमने मशीन खरीदी और मार्च में एंड होना है, ठीक। अब डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, नॉमिनल रूल लग रहा है यहां पर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। और टू मशीन, मॉडर्न रूल याद है, अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होती है, डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से एसेट डिक्रीज होगी, एज पर मॉडर्न रूल एसेट को क्या करो, क्रेडिट करो, तो क्रेडिट कर दिया। लेकिन कितना अमाउंट, तो आपको लग रहा होगा 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000, मैं कहता हूँ गलत है,
पता है क्यों? क्योंकि इस साल हमने पूरे साल मशीन को यूज़ किया ही नहीं, 1 अप्रैल को थोड़ी खरीदी है हमने, हमने मशीन परचेज करी 1 अक्टूबर तो को, अक्टूबर को यूज़ करी, नवंबर को यूज़ करी, दिसंबर को यूज़ करी, जनवरी को यूज़ करी, फेब को यूज़ करी और मार्च को यूज़ करी, तो 6 महीने तो यूज़ करी हमने, तो डेप्रिशन कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ का तो लगेगा। हाँ, अगर 1 अप्रैल को परचेज करी होती तो पूरे 12 मंथ का लग जाता, फिर 20,000 आता, तो यहाँ आ जाएगा 10,000। वेरी गुड, 10,000 ये डेप्रिशन लगा दिया। और ईयर एंड पे इस डेप्रिशन को कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल के डेबिट साइड में इसको ट्रांसफर करना है, और 2 हो जाएगा आपका डेप्रिशिएशन, कितना? 10,000। ओके, अब नेक्स्ट ईयर आपका, ये तो था आपका 16-17, अब यहां से ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा 17-18, 3 साल की अकाउंटिंग करनी है क्योंकि बोला है क्वेश्चन ने, ठीक है, 3 ईयर की आपको जनरल एंट्री और अकाउंट बनाने। तो नेक्स्ट ईयर आप मशीन तो बार बार खरीदोगे नहीं, सीधा डेप्रिशन नहीं लगाएंगे, कब लगाएंगे? 18 में, ईयर एंड पर, 1 अप्रैल 2017 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2018 को ईयर एंड होगा, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी पर। बेटा डेप्रिशिएशन कितने अमाउंट पे लगेगा? 2 लाख पे नहीं लगेगा, एसएलएम मेथड नहीं है ये, स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ी है, डब्ल्यूटीवी मेथड है। तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी? 2 लाख की मशीन थी, 10,000 डेप्रिशिएशन पहले लग चुका, तो मशीन कितने की बच गई? 190 की, और इस साल तो पूरी यूज हुई है, हाँ, तो पूरे साल का 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 19,000। आया समझ में? 20,000 नहीं पुष्पांजलि, 19,000। एसएलएम मेथड होता ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना तो फिर आपका सही था, डब्ल्यूटीवी मेथड है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। ओके, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करा देता हूँ आपको, ये देखो, क्योंकि हम एसएलएम मेथड फॉलो नहीं कर रहे हैं, डेप्रिएशन या मेथड जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? एसएलएम में मेथड नहीं कर रहे हैं, एसएलएम अगर आप करते तो 20,000 होता पक्का, तो आप घर पे करके देख सकते हैं। मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? डब्ल्यूडीवी मेथड, आपको समझाने के लिए। ओके, ठीक है, हाँ, अब देखो आप यहाँ, तो 19,000, और इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल के अंदर, 31 मार्च 2018 को पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन। आप इसको एसएलएम मेथड से घर पे करके देख सकते हैं। ओके, ठीक, ये 2 साल का हो गया, 1 साल का और कर देते हैं, 3 ईयर का बोला है टोटल। गजब ही हो गया ये, तो लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ खींच रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, 2 एंट्री और करनी बस, फिर मैं इसके अकाउंट बना के आपको बता देता हूँ। ये देखिए 31st, अब यहाँ कौन सा आएगा? ईयर हमारा ये 18 हो गया, अब 18-19, तो 31 मार्च 2019 को हम वापस डेप्रिसिएशन लगाएंगे, पर कितना लगाएंगे बेटा पता है? 2 लाख था, 10,000 फर्स्ट ईयर डेप्रिशन लगा था, तो बच गया था 190 में से लेस कर दो 19,000 और, तो वैल्यू कितनी बच गई? 171 का 10%, कितना हो जाएगा? 17,100। टू मशीन, और यहां पर एक एंट्री और हो जाएगी,
उसको पीएनएल में ट्रांसफर करने की। 3 साल का ही बोला है तो 3 साल का ही, अगर 4 साल का बोलता तो और करते हम आगे। अभी मैं अकाउंट बना के बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, आइए हम कुछ अकाउंट बना लेते हैं, 2 अकाउंट बना देते हैं, एक मशीनरी अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये अमाउंट का कॉलम, इधर आ जाएगा डेट का, डेट का अमाउंट का। देखिए जी, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट रुपीस। अब यहां देखिए, फर्स्ट 1 अक्टूबर 2016 को टू बैंक कितने मशीन खरीदी, 2 लाख में, 180 प्लस वो 20,000 मैंने और जोड़ दी। ये देखो एंट्री भी यही थी, इसकी लेजर करेंगे देखो कैसे होगी। मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना, हाँ तो मैंने भी मशीनरी अकाउंट को डेबिट में लिख दी 2 लाख रुपए और टू बैंक चला गया। यस, ये देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, सेकंड एंट्री देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन मशीन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 10,000। 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन 10,000। अब ये ईयर एंड होगा या बैलेंस बच गया 190 बैलेंसिंग फिगर में, इसको बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस 16-17 का। ये बैलेंस इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी 190। अब वापस डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेकंड ईयर लगाया था, एंट्री करी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर का कितना जो बैलेंस बचा है 190 का 10% 19,000। अब यहां 190 है, उधर बच गया 19,000, तो 190 में से 19,000 लेस कर दो, 171 ये आ गया बैलेंस क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी। और ये जो सीडी है ये बन जाएगा बीडी 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस बीडी 171। दोनों में फर्क साफ है ना, वहां हर बार डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, यहां फिक्स नहीं रहता। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन, अभी जनरल एंट्री बनाई तब हमने लगाया था 17,100, 171 का 10%, तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 171 माइनस 17,100 153,900। अब नेक्स्ट ईयर का हमको बोला नहीं है वरना आगे और बनाते जाते इसी तरीके से। तो ये हो गया मशीन अकाउंट। अब ऐसे कैसे हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, आइए बना देते हैं। सिंपल है बहुत, ये बन गया आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट
पर्टिकुलर रुपीस डेट रुपीस। अब आप जनरल एंट्री चेक करेंगे ना डेप्रिसिएशन वाली, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। देखो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं ना, तो उसको डेबिट कर देंगे 10,000 से टू मशीनरी और 31 मार्च 2017 को, 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन डेबिट होगा 10,000 से। और इसकी जस्ट अगली एंट्री में हमने क्या किया था, पीएनएल को डेबिट किया और डेप्रिसिएशन को क्या किया, क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे 10,000, पूरा पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, बाय पीएनएल। बस यहां पर कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा है, इसीलिए बोलते हैं डेप्रिसिएशन पहले लगाओ फिर उस अकाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दो। वही किया हमने नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2018 को, फिर डेप्रिसिएशन लगाया कितना, 19,000 याद है, सेकेंड ईयर में था 19,000, और उसको ट्रांसफर कर दो कहाँ, पीएनएल में, बाय पीएनएल। कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ये देखो 19,000। और थर्ड ईयर का देख लो कितना है, ये दो एंट्री की लेजर ही हो रही है, डेप्रिसिएशन डेबिट 17,100, वापस क्रेडिट 17,100, पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया थर्ड ईयर 31 मार्च 2019। सॉरी, यहाँ डेप्रिसिएशन के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लिखना होता है, डेप्रिसिएशन तो डेबिट है, लिखेंगे क्या, टू मशीनरी है ना, सॉरी यहाँ पता नहीं कहाँ ध्यान था, टू मशीनरी, किसी अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। ये देखो डेप्रिसिएशन तो डेबिट हो रहा है ना, हाँ तो डेबिट करेंगे 19,000 से ज़रूर, लेकिन टू मशीनरी आएगा ना, लेजर तो ऐसे ही करते हैं ना, पोस्ट ऐसे ही करते हैं ना हम, हाँ तो टू मशीनरी 17,100, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में, बाय पीएनएल अकाउंट। बस ये दोनों मेथड हो गए आपके, बताओ आया समझ में।